अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत मज़े के ईरानी कबाब बना रही हूँ, जो जायके में तो यकीनन अच्छे होंगे लेकिन दिखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं, ये तकरीबन 500 ग्राम है, और इसका मैं कीमा बना लूँगी। और आप चाहें तो बीफ या मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन कबाबों के लिए। तो मैं आज चिकन से बना रही हूँ। और इसके अलावा मैंने 3 क्लोव्स गार्लिक के लेकर, तो मैंने उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। एक दो मैंने तकरीबन ग्रीन हरी मिर्च लेकर उसको चॉप किया है। ये थाई रेड चिली जो बहुत ये काफ़ी हॉट होती है, इसलिए मैंने एक ली है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसको मैंने चॉपर में चॉपराइज कर लिया है। और उसके बाद उसका पानी निकाल लिया है। तो पानी हमने इसलिए निकालना है कि अगर पानी नहीं निकालेंगे तो मिक्सचर जो है वो अच्छा बाइंड नहीं होगा और वो हम उसका सही तौर पे कबाब नहीं बनेंगे। तो इसके अलावा स्पाइसेस में 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है, और 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर है, 1/4 टीस्पून तकरीबन हल्दी है, और 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है। तो सबसे पहले इसका कीमा बना लेती हूँ चॉपर में। तो कीमा बहुत फाइन पीस किया है और आपने ये ख्याल रखना है कि चिकन भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए ताकि पानी बिल्कुल ना उसमें कीमे में हो। और प्याज भी मैंने जो अच्छी तरह खुश कर लिए थे, पानी इसका निकाल लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हरी मिर्च, गार्लिक और हरा धनिया भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब सब स्पाइसेस को हमने और सब चीज़ों को इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे स्पाइसेस भी मिक्स कर रही हूँ। आप अब स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी। कीमा अच्छे से एक जान हो गया है। अब मैंने एक बड़े साइज का पैन ले लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लेकर तो मैं सारा इसको ग्रीस कर लूँगी। और अब ये कीमा ये पैन में अच्छे तौर पे फैला देंगे। बहुत मोटी तह नहीं रखनी पैन, इसके लिए थोड़ा बर्तन मुनासिब होना चाहिए इसके हिसाब से। और अगर आपके पास ज़रा छोटा पैन है तो फिर आप 2 हिस्सों में इसको बना लें। तो कीमा अच्छे से फैलाकर हमने इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेना है, इवन हो बिल्कुल, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये बिल्कुल हमने इवनली फैला दिया है। तो अब मैं अपनी उंगलियों की मदद से इस तरह सारे निशान बना लूँगी, जिससे बहुत अच्छा सा कबाबों के ऊपर एक डिज़ाइन बनता है। चलिए ये डिज़ाइन मैंने बना लिया। तो अब चूल्हा ऑन करके हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो मैंने अभी फ्लेम हाई रखा है और इसको मैं अभी हाई हीट पे 2-3 मिनट पकाऊंगी, जब हमें लगेगा के जो साइड्स हैं वो यहाँ से पकना शुरू हो गई है, तो फिर इसकी हम आंच थोड़ी कम करेंगे। अब ये देखिए ये साइड से पक रहे हैं, तो मैं इसकी आंच जो है बिल्कुल धीमी कर दूँगी, मीडियम टू लो की तरफ कर दूँगी। अब ये एक साइड इसकी हो गई है, आप ये देखिए कि इसके किनारों से पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छा यह नीचे से ब्राउन हो रहा है। तो अब मैं इस कबाब को पीसेस में काट लूँगी। तो अब इसको पलट लेंगे इस साइड को। ये देखिए इस साइड पे कलर आ गया है बहुत अच्छा सा। सारे कबाब की साइड हम चेंज कर देंगे।
तो मीडियम फ्लेम पर ये वाली साइड भी हम पका लेंगे। और मैं थोड़ा सा, एक टेबल स्पून शुरू में ऑयल ऐड किया था, तो थोड़ा सा ऑयल अब यूज़ करूँगी, बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब। तो जबकि कबाब फ्राई हो रहे हैं, तो साथ ही ये मैं इसमें 2 टमाटर ऐड किया है, हरी मिर्च, जो आप अगर चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरे घर के अपने उतरे हुए टमाटर हैं जो कि मैं ऐड कर रही हूँ, साथ ही इसमें हरी मिर्च, और ये एक कट लगा कर ऐड करेंगे। अगर हम ऐसे ही ऐड करते हैं तो ये बहुत फटती, तो इसमें छींटे उठती हैं, तो ये आपने ख्याल रखना है, इसको एक कट दे के हमेशा साथ जब भी फ्राई करने रखना है तो एक कट दे के रखना है। तो ये पक रहे हैं मीडियम फ्लेम पर, और दूसरी तरफ मैंने कोयला भी दहकाने के लिए रखा है। आखिर में हम इसे एक स्मोकी फ्लेवर देंगे, बहुत ही मज़े का स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाएगा तैयार होने के बाद। सब साइडों से हमने इसको गोल्डन कलर दे देना है और अच्छा सा पका लेना है। तो ये साइड भी हो गई है, और हमने इसको सब साइडों से और आखिर में ये ऐसे करके, तो इसकी ये साइड भी पका लेनी है। सब साइड से इसको ब्राउन कर लेना है अच्छे से, एक साइड हो जाए, जैसे ये ब्राउन हो गई है इतनी देर में, तो फिर ये ऐसे ये साइड भी। तो बहुत ही कम ऑयल में, जैसे कि मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, ये कबाब तैयार होते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं और देखने में तो खूबसूरत हैं ही। अब जबकि ये कबाब सब जगह से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, और मैंने दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाई है, एल्युमिनियम फॉइल रखूँगी, और जो कोयला दहकाने के लिए रखा हुआ था वो अच्छी तरह गर्म हो गया है। मैं कोयला इस पर रख कर तो इस पर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। तो अब फौरन ढक्कन बंद कर दूँगी, 1 मिनट के लिए इसको स्मोक दे दूँगी। तो हमारे बहुत ही मज़े के ईरानी कबाब तैयार हैं, जिनको मैंने स्टीम राइस के साथ सर्व किया है। और चावल स्टीम करने के बाद उसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड करके और एक स्प्रिंग अनियन मैंने इसमें डाला है, और ऊपर येलो फूड कलर डाल के दम दे दिया था। और इसके साथ आमतौर पे सेफ्रॉन राइस या फिर इस तरह स्टीम राइस ही सर्व किए जाते हैं, और अगर आप चाहें तो नान के साथ भी इसको खा सकते हैं। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है, और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।